इस रिपब्लिक। आज आजादी का 70 के साल के बाद तो कहा गया है संविधान के अंदर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किसी का नाम लिया, हर हिंदुस्तानी को कहा है, तो क्या वजह है आजादी के 70 साल के बाद भी जो सबसे ज्यादा जुल्म का अत्याचार चार का शिकार होता है वो मुसलमान है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी कौम, हम ये किसी भी सियासी जमात के हम खिलाफ नहीं है, ना ही इसकी इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये जो चिराग जला है आप लोग इस चिराग से चिराग को जलाइए। और एक हजार डॉक्टर एजाज अली की जरूरत नहीं है, आप सब डॉक्टर एजाज अली बनिए और आप कहिए कि ये जो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा है ये हमारा मजबूत मोर्चा है, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और यहाँ गुजरात से लेके नागालैंड तक हम हिंदुस्तान की एकता और अखंडता चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमारी जिस वक्त जंग आजादी लड़ी जा रही थी और कहा गया था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हम चाहते हैं सचमुच हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, सिर्फ कहने से नहीं बने, अमल से बनेगा, अमल से जिंदगी बनती है। आप जरूरत अमल की है और अमल के जरिए आपको तकदीर जो है वो तकदीर बदल देती है। तो मैं कहूंगा उठाओ जागो और संघर्ष करो और एक नया चीज जो आज चिराग जलाए इस चिराग को चिराग से चिराग को जलाओ, ऐसा जलाओ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी आवाज पहुंचे और एक नई रोशनी हो, एक नया भारत बने, एक नई जन जागृति बने, एक नई रूपरेखा और एक नई दिशा के साथ साथ नव भारत का एक